हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि हार्ट शेप में जो गोटे की पत्तियां हैं वो किस तरीके से बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको गोटा लेना है, जैसा कि आप नॉर्मल गोटा लेते हैं वो गोटा आपको यहाँ पर लेना है। और यहाँ पर मैं गम का यूज़ करूँगी, आपको ये कपड़े वाला गम मिल जाएगा, फैब्रिक गम का यूज़ यहाँ पर नहीं करना है। तो यहाँ पे कोई नाप और मेजरमेंट नहीं है, बस आप अपने हाथों से अपने अंदाज से जो है वो नाप ले लेना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिया है। तो इस तरीके से फोल्ड करना है, मैं आपको पूरा डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगी। और गम जो है उसे चिपकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो बस सबर करिए, सबर का फल मीठा होता है। तो इस तरीके से मैं गम का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो स्टिचिंग का यूज़ कर सकते हैं, पर वो इतना फिनिशिंग नहीं होगा, तो आपको स्टिचिंग का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप इसे कपड़े पर स्टिच करेंगे ना, सिलेंगे ना, तब ही आपको स्टिच का यूज़ करना है, और उससे पहले आपको गम का यूज़ करना है। इस गम को मैं सुखा रही हूँ बहुत हार्ड वर्क करके, तो ऐसे ही आप भी सुखा सकते हैं, क्योंकि गम थोड़ा लेट सूखता है ना इसके लिए। तो इसको मैंने सुखा लिया है और इस तरीके से फोल्ड किया है। बहुत ही इजी तरीका है ये वाला फूल बनाने का, आप इसे बनाइए। अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है गोटा पत्ती, आप इसका ज़रूर ट्राई कीजिए। इससे आप अपनी पोशाक, सूट, दुपट्टा, साड़ी बहुत कुछ डेकोरेट कर सकते हैं, और बहुत ही एक यूनिक लुक जो है वो लगेगा। मैंने अपने चैनल में बहुत सारी गोटा पत्ती जो वर्क है वो शेयर किया है आपके साथ, तो आप उसे एक बार ज़रूर देख लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं जो वीडियो आपके साथ शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तो जो भी ट्रेंडिंग गोटा पत्ती है वो सारा मैंने अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर किया है, और अब हम मिलेंगे ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग अवर वीडियो।